आज मैंने अपने रसोई में नमक पारे बनाए, जो हम लोग ऐसे नमकीन भी बोलते हैं, बच्चे में नमकीन ही बोलते थे इसको। तो ये देखिए कितना खिला खिला बना है, एकदम फ्लफी और खस्ता, एकदम से खस्ता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो चलिए हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, मैं सुलोचना, स्वागत है आपका मेरे रसोई में। तो ये नमक पारे के लिए मैंने पहले ये 2 कप मैदा लिया है, एकदम सारा। ये 2 कप मैदा को मैंने अच्छे से चाल लिया और इसका जो है ना कचरा वगैरह जो जो भी निकलेगा वो हटा देंगे। तो ये पूरा देखिए इस तरह से करके निकाल लेना है। तो आप इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड, ये मैंने 1/2 कप लिया है, जो भी आपको पसंद हो। मैं तो राइस ब्रांड वाला तेल डालती हूँ, आपको जो पसंद हो वो डालिए। ये मंगरेल मैंने 1/2 टीस्पून दिया है, 1/2 छोटी चाय चम्मच से। और ये मैं इसमें डाल दूंगी अजवाइन, वो भी मैं 1/2 टीस्पून। तो ये सारा बहुत ही कम सामग्री में ये बन जाता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 चाय चम्मच एकदम, ये मेरा माप से मैं ली हूँ। और ये सारा चीज अब मैं इसको अच्छे से पहले मिलाऊंगी। पहले इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ा सा इसको हाथ से मसल के रगड़ दूंगी 5 मिनट। उसके बाद उधर में थोड़ा सा पानी गर्म करके रखी हूँ, हल्का एकदम सुसुम। और ये देखिए इस तरह से जब मुट्ठी बनने लगे तो समझिए कि एकदम अच्छे से हो गया है। और ये मैं एकदम वर्म वाटर, यानी कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, उस तरह का पानी से मैं इसको मिला लूँगी। और एक अच्छा सा आटा के जैसा बना लूँगी इसको, आटा गूंथने जैसा डो बनाना है इसको। तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के ही बनाती हूँ ताकि गीला नहीं हो। गीला होने से इसका ये देखिए इस तरह से बना दी है मैं, देखिए ये ना ज़्यादा गीला होने से फिर इसका खस्ता कम हो जाता है, अच्छा भी नहीं बनता है। तो चलिए इसको मैं ढक के रख देती हूँ 1/2 घंटे के लिए। एक बर्तन से मैं ढक दूंगी, आप चाहे तो भिंगा के कपड़ा उससे भी ढक सकती हैं। तो 1/2 घंटा के बाद ये देखिए मैं अब इसको हटाती हूँ। तो ये नमक के कारण ऐसा थोड़ा सा हो जाता है आप जब रखोगे तो। इसको मैं फिर एक बार अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि पहले मैंने आटा एकदम ज़्यादा ही मुलायम नहीं किया था। तो अब मैं इस एक बार इसको मिला लेती हूँ। तो मिलाने के लिए ना ये थोड़ा मैं इसका प्लेटफॉर्म पे ही रख के अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसको अच्छा से एक जैसा करके फिर से, और इसको मैं गोला बना लेती हूँ, मतलब लोई। तो इसका मैं देखिए लोई बना ली हूँ और उसको सबको मैं थोड़ा बड़ा ही लोई बनाई हूँ ताकि ये हो जाए अच्छा सा। इससे मेरा कि 5 लोई मैं बनाई हूँ। और अब मैं इसको इस तरह से मैदा लगा के इस पर, और इसको मैं बेल लूँगी। धीरे से बेलना है इसको, ये मैदा है तो थोड़ा थोड़ा तो बेलने में थोड़ा टाइटली बेलना पड़ता है, लेकिन अब इसमें मैं हल्का सा मैदा छिड़क दूंगी और ये मेरा तैयार है। न मोटा बेलना है न एकदम पतला, आप जैसा चाहिए। अगर पतला बनाएंगे तो उसका भी अलग ये टेक्चर आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा ही बनाई हूँ, एकदम पतला भी नहीं। तो देखिए इस तरह से आप जैसा आकार चाहिए आप काट सकते हैं। तो मुझे ये देखिए इस तरह से काटना है इसको,
आप एक साइड में हाथ रख दीजिएगा तो आगे नहीं भागेगा, नहीं तो ये फिर थोड़ा सा इधर उधर होता है। हाथ रख के इसको इस तरह से काट लेना है और ज़्यादा मैदा भी ऊपर से नहीं देना है परोथन, नहीं तो वो फिर तेल ना ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से साइड वाला जो कोना कोना जैसा है, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है वो होता है, उसको मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से हटा के सारा मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह सारा बेल के सबको कर लेना है काट के, क्योंकि इसको छानने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो फिर पहले सारा तेल बेल के एक जगह जमा कर लेना है। मैं तो पांच लोई को पांच बर्तन में कर लेती हूँ ताकि वो बाद में ये जो छोटा था ना वो टेढ़ा मेरा उसको मैं हटा दी। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से सारा मेरा हो गया है काट के। थोड़ा मोटा ही मैं रखी हूँ ताकि देखने में वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से सारा मेरा काट के मैं रख ली। अब जब भी बनाएंगे तो हमेशा ना ये मैदा को जब मिलाते हैं, जब उसका डो बनाते हैं, उस समय ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इस तरह से ये मेरा तैयार हो गया है। तो अब मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, एक बार इसमें मैं डाल देती हूँ तेल जिससे आपको छानना है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके छानूंगी। देखिए इस तरह से डाल देती हूँ, ये जो सटा हुआ है ना कोई दिक्कत नहीं, ये अपने आप खुल जाएगा जब आप उस पर डालोगे। और जब डालेंगे तो फ्लेम को एकदम कम ही रखना है। अगर तेज फ्लेम रहता है तो ज़्यादा तेल गर्म होने से वो एक अलग टाइप का हो जाता है, वो ज़्यादा फिर ऊपर से जल जाएगा और अंदर पकेगा नहीं। जब इसको डालते हैं तो इसको हिलाते रहना चाहिए ताकि ना ये एक तो खुल भी जाता है, पूरा तो खुल ही जाएगा सारा, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहेगा। ये देखिए थोड़ी देर के बाद इसका, मैं इसको इतना नहीं हिलाऊंगी, जब डालती हूँ तभी हिलाना है इसको। तो फिर इसका देखिए धीरे धीरे पकने दूंगी एकदम लो फ्लेम में, पकाना है इसको अच्छे से। और ये जब कलर इसका थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हल्का एकदम इस तरह का सुनहरा कलर हो जाए, तो इसको निकाल लेते हैं। और देखिए मैं एक बार डाल के दिखाती हूँ, मैं ये एकदम फ्लेम बंद कर दी थी, अब मैं इसको ऑन कर दी हूँ। और ये देखिए इसको इस तरह से हिलाना है और थोड़ी देर के बाद देखिए इसका कितना अच्छा एकदम फ्लफी हुआ है। अब जब इसको धीरे धीरे रखता है, और फिर आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, इसके लिए सॉरी। ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है फिर। और ये एकदम बहुत ही खास था, बहुत ही अच्छा। आप जब मेहमान को परोसेंगे तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे, इतने अच्छे बनते हैं। तो होली में हम लोग इसको बनाते ही हैं, ज़रूर बनाते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखने के लिए। थैंक यू।